नमस्कार प्यारे सम्मानित किसान भाइयों, आप देख रहे हैं विजय किसान और मैं आपका होस्ट डॉक्टर निकुंज कुमार विजय। आज हम बात करेंगे रिंग पिट विधि से बोए गए गन्ने के बारे में। तो जो रिंग पिट विधि से गन्ना बोया गया है उसका पेड़ी प्रबंधन कैसे करें, आज यह पूरी चर्चा उसी पर होगी। तो आइए बिना समय गंवाए बात कर लेते हैं कि किन बिंदुओं पर अगर किसान भाई ध्यान दें तो अधिक उत्पादन ले सकते हैं रिंग पिट विधि वाली पेड़ी में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कटिंग की। तो जो पौधा आप कटवा रहे हैं यानी कि जिस खेत में आपको पेड़ी रखनी है उस पौधे की कटाई आप कोशिश करें कि वो फरवरी से अप्रैल के मध्य तक निपट जाए, या फिर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड जब तक तापमान है तब तक आप अगर उसकी कटाई करा देते हैं तो उसमें फुटाव अच्छा होगा और पौधे का स्वास्थ्य भी अपेक्षाकृत अच्छा होता है और वो जो कम फुटाव वाली समस्या है उससे भी निजात मिलती है। दूसरा आ जाता है कि जो आपका गन्ना है आप उसे भूमि की सतह से मिलवा कर कटवाएँ, लेकिन कुछ फार्मर्स के अपने अनुभव हैं कि जो गन्ना है वो भूमि की सतह से 1 या 2 इंच ऊपर से काटें, जो अब अभी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। तो उनके अपने तर्क हैं कि इससे जो आँखें हैं वो उन्हीं से पौधा बन जाएगा और फिर उसके बाद में वो भारी मिट्टी चढ़ाकर उसे सपोर्ट दे देंगे, लेकिन इस तरह के गन्ने में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो गिरने की आती है। तो अगर आपको गन्ना गिरने से बचाना है तो आप कोशिश करें कि गन्ने को राउंड कट लगवाएं और भूमि की सतह पर कटवाएं, चाहे तो आप उसे सीधा जब आप गन्ने की कटाई करा रहे हैं तभी आप भूमि की सतह से मिलवा कर कटवा दें, या फिर आप बाद में रेटून मैनेजमेंट डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि उसका स्टेबल कटिंग जब हो जाएगी तो वो भूमि की सतह से मिलकर और वो राउंड शेप में कटेगी। शार्प राउंड कट लगवाएँ, तिरछा कट ना लगवाएँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप राउंड कट लगवा देते हैं और भूमि की सतह से मिलाकर कटते हैं तो उससे क्या होता है कि जो फंगल इन्फेक्शन का खतरा है, जो फफूंद जनित रोगों का खतरा है, वो आपका 90% तक कम हो जाता है शुरुआती स्टेज में। अब आगे बात कर लेते हैं नमी के स्तर की। तो नमी का उचित स्तर आप बनाकर रखें, जल भराव की समस्या पिट में ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और दूसरा, अगर आप रेटून मैनेजमेंट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो आप कोशिश करें कि उसके 8 दिन के बाद आप सिंचाई करें। रेटून मैनेजमेंट डिवाइस का इस्तेमाल करने के यानी कि ठोटों को कटवाने के तुरंत बाद आप सिंचाई ना करें। फिर आ जाता है कि जो आपके रिकमेंडेड फर्टिलाइजर्स हैं, जो भी उर्वरक खाद उर्वरक आपको देना है, तो उसमें जो फास्फोरस है उसकी पूरी की पूरी मात्रा पहली डोज में ही दे दें, नाइट्रोजन की 1/4 मात्रा और पोटास की आधी मात्रा को आप शुरुआती स्टेज में ही दे दें। दूसरा आ जाता है कि जो अगर हमें जितने पौधे हमें चाहिए उतने पौधे, सपोज करो हमें एक पिट से 50 पौधे चाहिए थे और 50 पौधे हमें मिल गए हैं, तो आप बिना देरी किए उसमें भारी मिट्टी लगवा दें। उससे क्या होगा कि जो अतिरिक्त फुटाव वाली जो एक समस्या फार्मर्स को फेस करनी पड़ रही थी उससे निजात मिल जाएगी, और जो कम फुटाव वाली समस्या थी फार्मर्स के पास वो स्पेशल उन किसानों को फेस करनी पड़ रही थी जिन किसानों ने गन्ना उथला बोया था। यानी कि अगर आप पिट की गहराई लगभग 1.25 फीट तक भी अगर आप रख लेते हैं तो उसमें वो समस्या आने वाली नहीं है, लेकिन कुछ किसान भाई जो लगभग भूमि की सतह के आसपास ही वो गन्ने की बुआई करते हैं, उथली बुआई करते हैं, उनकी जो पिट होती है रिंग पिट होती है वो उथली होती है, तो उसमें ये समस्या थोड़ी सी कहीं कहीं देखने को मिलती है कम फुटा। तो अब बात आ जाती है कि छटनी। छटनी भी रिंग पिट विधि से अगर आप पेड़ी का अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो उसमें जो छटनी है वो पौधों की छटनी वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। उसमें क्या करते हैं कि हम जो पास पास वाले पौधे हैं और जो अस्वस्थ पौधे हैं उन्हें हटा देते हैं और जितने काउंट हमें उसमें चाहिए उतनों को रखकर बाकी पौधों को हम हटा देते हैं और उसमें हल्की मिट्टी लगवा कर बाद में फिर भारी मिट्टी लगवा देते हैं। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।